हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नीट यूजी पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी ये हिंट दिया है, बताया है कि कुछ कुछ स्टेट्स के फॉर्म्स होते हैं या कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स होते हैं जो नीट यूजी के एग्जाम से पहले ही पब्लिश कर दी जाती है, और यदि आप उसे फिलअप करके रखते हैं, उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके रखते हो, तो फिर आप उसके उसकी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो। जब नीट यूजी एग्जाम खत्म हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद आप उस स्टेट की पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो। इसी तरीके के फॉर्म्स में सबसे पहले हमने बात की थी सीएमसी वेलोर की, कि अगर आपको सीएमसी वेलोर की काउंसलिंग को अटेंड करनी है, तो पहले जो सीएमसी वेलोर की फॉर्म अभी निकली थी उस फॉर्म को फिलअप करनी होगी, और उसके बाद तमिलनाडु की फॉर्म निकलेगी नीट यूजी 2021 रिजल्ट आने के बाद, तमिलनाडु स्टेट की फॉर्म निकलेगी, उस फॉर्म को आपको भरनी होगी, तब जाकर के आप सीएमसी वेलोर के लिए एलिजिबल होगी। ये फर्स्ट फॉर्म निकली थी। सेकेंड फॉर्म निकली थी, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था, केरला स्टेट की काउंसलिंग फॉर्म, जिसे KEAM फॉर्म कहते हैं। तो केरला स्टेट की काउंसलिंग फॉर्म भी नीट यूजी एग्जाम से पहले ही निकल जाती है, और वो भी निकली हुई थी, अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कशन किया था। अब एक और फॉर्म है जो अभी फिलहाल निकली हुई है, वो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उसकी भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है, और उसकी भी जो एप्लीकेशन फॉर्म आती है वो नीट यूजी एग्जाम से पहले ही आ जाती है। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर यदि आप उसके अंडर आने वाले कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो, तो यू हैव टू फिलअप दिस फॉर्म। इस फॉर्म को आपको फिलअप करनी है। फिलअप करने की जो आखिरी डेट है वो 15th June 2021 है। फॉर्म ऑलरेडी पब्लिश कर दी गई है, 8th June से ही एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, जो IPU यूनिवर्सिटी है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जानी होगी, जो www.ipu.ac.in है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि इंफॉर्मेशन ब्राउशर भी दी गई है, और साथ में वहां पे ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई ऑनलाइन एक आपको लिंक मिलेगी, जिसके अंडर आप रजिस्ट्रेशन 2021 की एक लिंक मिलेगी, तो आपको वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। नाउ द थिंग इज कि कौन कौन से स्टूडेंट्स IPU यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, वो डिस्कस करने से पहले वी विल सी कि IPU यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं। देयर आर थ्री कॉलेजेस, तीन कॉलेजेस हैं जो कि IPU यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। एक BSA अंबेडकर कॉलेज, दूसरी NDMC नॉर्थ दिल्ली मेडिकल कॉलेज, और तीसरी ACMS जो आर्मी कॉलेज है। अब जो BSA और NDMC है, इन दोनों कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, और जो ACMS है इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। पहले बात कर लेते हैं BSA और NDMC के लिए। BSA और NDMC के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी 11th और 12th दिल्ली स्टेट के स्कूल से या कॉलेज से पास की है, वो सभी स्टूडेंट्स इस BSA और NDMC इन दोनों कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होंगे, वो इस फॉर्म को IPU की फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ACMS जो आर्मी कॉलेज है, उस उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि वो स्टूडेंट जिनके फादर आर्मी में या तो सर्व कर रहे हैं या तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इन दोनों कंडीशन में वो स्टूडेंट ACMS के लिए एलिजिबल होंगे और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया IPU के अलग अलग कॉलेजेस के लिए है। आप आई होप समझ चुके होंगे, आइदर 11th एंड 12th फ्रॉम दिल्ली स्टेट होनी चाहिए इफ यू वांटेड टू टेक एडमिशन इन दैट केस यू विल बी एलिजिबल फॉर BSA और NDMC, और यदि आपके फादर इज सर्विंग इन आर्मी या फिर ही हैज टेकन द रिटायरमेंट, इन दैट केस जो ACMS कॉलेज है उसके लिए भी आप एलिजिबल होंगे। तो आप दोनों ही कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये फॉर्म अभी निकाली गई है, दैट डजंट मीन कि बाद में नहीं निकाली जाएगी। जैसे केरला में एक सस्पिशियस बात होती है, हो सकता है वो बाद में फॉर्म को ना भी निकाले, बट IPU हैज इसका एक अलग से नेचर है, और उस नेचर के अकॉर्डिंग ये फॉर्म जो अभी निकली है, ये फॉर्म एक बार फिर से नीट यूजी 2021 की जो एग्जाम होगी, रिजल्ट आएगी, उसके बाद भी निकलेगी। बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू कि अभी फॉर्म निकली है, यू शुड फिल अप दिस फॉर्म। आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट नहीं करनी चाहिए। अब जहां तक बात है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पे आपको एक चार्जेस लगेंगे, वो चार्जेस नॉमिनल से चार्जेस हैं, 1200 के चार्जेस हैं, जो वाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे तो वो 1200 के चार्जेस आपको वहां पे करने होंगे, और जब आप उस 1200 की जो
1200 चार्ज है वो आप पे करोगे तब जाकर के आपकी एप्लीकेशन अभी फिलहाल के लिए कंप्लीट होगी। अब ऐसा नहीं है कि अभी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की दैट इज फाइनल, वो फाइनल नहीं है। ओके, तो आप अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे वो कुछ स्टेप्स पे जाकर के कंप्लीट होगी, बट जो उसकी रिमेनिंग प्रोसेस होगी, बाकी की बची हुई प्रोसेस, वो आपको कंप्लीट करनी है कब, जब नीट यूजी 2021 के रिजल्ट आने के बाद आईपीयू की फॉर्म आएगी, तो तब उस टाइम में कुछ कुछ स्टेप्स आपको, जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए और मार्क्स अपलोड करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कुछ कुछ स्टेप्स होंगे, कुछ कुछ प्रोसीजर्स होंगे, वो आपकी उस टाइम में कंडक्ट होगी। सो अभी तो आपको फॉर्म फिलअप करनी ही है, बट दैट विल नॉट बी कंप्लीटेड, वो एकदम से कंप्लीट नहीं होगी, कुछ स्टेप्स आपके बाकी होंगे जो आपको जब दोबारा से आईपीयू की फॉर्म निकलेगी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, आईपीयू की काउंसलिंग में नीट यूजी 2021 एग्जाम के बाद, उस टाइम में आपको रिमेनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है। उस टाइम में जो भी चीजें होंगी वो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आप लोगों के लिए समझना ईजी रहे। और अगर आप इसे अभी फिलहाल समझना चाहते हैं तो एज आई सेड कि जो आईपीयू की वेबसाइट है उस पर 2021 की इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पब्लिश कर दी गई है, सो यू हैव टू गो थ्रू दैट ब्राउचर, आप उसे रीड आउट करें थॉरली और उससे आप समझने की कोशिश करें। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कुछ चीज आपको समझ ना आ रही हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू सो मच।